वाजेपुर गांव में ढोल की अनुनादी थाप गूंज रही हैं। यहां के राठवा समुदाय के लिए कोई भी उत्सव नृत्य और उल्लास के बिना अधूरा है। वाजेपुर गांव पूर्वी गुजरात में हाल ही में बने छोटा उदयपुर जिले के कवांट तालुका के जंगली पहाड़ी इलाके में स्थित है। गुजरात में अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त राठवा समुदाय की भाषा राठवी है। ये गुजराती की एक बोली है जिसमें मालवी और मराठी से शब्द लिए गए हैं। इस समुदाय का नाम मध्य प्रदेश की सीमाओं के निकट पूर्वी गुजरात के राठ विस्तार क्षेत्र के नाम पर पड़ा है। आज राठवा मुख्य रूप से छोटा उदयपुर जिले और पास के पंचमहाल और दाहोद जिलों के कुछ हिस्सों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी संख्या लगभग 6,42,000 थी। राठवा किसान हैं। वे अपना जीविकोपार्जन छोटे और मध्यम आकार की जोत की खेती और कंस्ट्रक्शन वर्कर के रूप में काम करके करते हैं। श्रमिक के रूप में काम करने के लिए उन्हें गुजरात के अन्य हिस्सों में जाना पड़ता है। राठवा होली, दिवाली, देव दिवाली, दिवासों, दशहरा और अक्खा तीज जैसे त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वे कवांट में लगने वाले घेर मेला जैसे मेलों में भाग लेते हैं। इन उत्सवों और मेलों के दौरान इस समुदाय को अपने आकर्षक पारंपरिक परिधान में नृत्य करते पाया जा सकता है। राठवा लोगों में विवाह के साथ साथ हर त्योहार और अनुष्ठान के लिए नृत्य होते हैं। हर एक अवसर के लिए अलग अलग नृत्य और संगीत होता है। ये विशेष नृत्य समुदाय द्वारा विभिन्न उत्सवों और अनुष्ठानों के अवसरों पर किए जाने वाले विभिन्न पारंपरिक नृत्यों का एक मिश्र रूप है। नर्तक नर्तकी सीधी रेखाओं में चलते हैं और गांव के पूजा स्थल तक पारंपरिक विवाह यात्रा करते हुए पहुंचते हैं। वहां दुल्हा दुल्हन सिमोड़ी देवी का आशीर्वाद लेते हैं। दिवासों और देव दिवाली के अपने नृत्य हैं। दिवासा और दिवाली त्योहारों के दौरान राठवा युवा गोलाकार नृत्य करते हैं और उसे करने के लिए अक्सर जोड़ियां बनाते हैं। एक अन्य लोकप्रिय नृत्य घांगड़ी है। इसमें पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र घांगड़ी बजाते हैं और उसकी ताल पर महिलाएं गोलाकार नृत्य करती हैं।
लग्न प्रसंगे अमारे जे नानो ठोल होय पसी शरणाई होय पसी अने कुंडी होय अने मांदड़ होय अने थाड़ी होय आ वाजिंत्रो तीन दिनों तक चलने वाले राठवा विवाह के दौरान होने वाले जुलूस में किया जाने वाला नृत्य भी इस प्रदर्शन का हिस्सा है। राठवा विवाह एक ऐसा अवसर है जब कई अलग अलग नृत्य होते हैं। इनमें महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कुर्नियों के साथ साथ तिमली, डांडिया, गुझारियों और हालेडियू जैसे नृत्य शामिल है। એ વાજિંત્રોવાળા છે જે પીપોડી વગાડે છે ને કુંડી વગાડે છે એ લોકો હરિજન છે અને જે આ મોટો ઢોલ વગાડે છે ને એ આપણે રાઠવા સમાજના લોકો છે। કુશલ નર્તકીઓ કી મંડળી ઘેર મેલા કે અવસર પર વિસ્મયકારી કરતબ કરતે હુએ હોલી માતા કી છબી બનાતી હૈ। ઘેર નૃત્ય વિશેષ રૂપ સે હોલી કે ત્યોહાર કે દૌરાન કિયા જાતા હૈ जब पूरे क्षेत्र के कई गांवों में घेर मेलों का आयोजन किया जाता है। आज एक माता बनाई है ना, ये माता होली माता ने लगते ये माता बनाई है। ये होली ना समय 5 दिवस उपवास रखना है। અને એ પાસમ આપણે કહીએ ને એ પાસમ સુધી અમારે 5 દિવસ આ નૃત્ય કરવામાં આવે અને 5 દિવસ પછી જે અમારે કંઈક પાસમના દિવસે જે કંઈક વિધિ કરવાની હોય છેલ્લા દિવસે એ વિધિ પતાવી અમારે જે વસ્ત્રો ખરા એ વસ્ત્રો વિધિ પછી અમારે ઉતારવા। नर्तकों का उत्साह उनके चेहरों से साफ प्रकट होता है। कुछ ही मिनटों में उन्होंने राठवा जनजाति की रंग बिरंगी परंपराओं और उत्सवों की एक झलक दिखला दी है। ये परंपराएं और उत्सव तेजी से बदलती इस दुनिया में बने रहे हैं और समृद्ध हुए हैं।